We are in Sopore right now in North Kashmir. It's the end of the football season because winter is about to set in, or at least autumn is about to set in. There's an incredible 4 football tournaments going on in this part of Kashmir simultaneously right now. One of them, or 2 of them actually, are held at night. So we're heading to one football ground to see what's going on there. में पहली बार हो रहा है ये टूर्नामेंट हमने स्टार्ट किया नाइट टूर्नामेंट ये खाली हमने इसलिए किया स्टार्ट ये सोपोर का फुटबॉल जो था वो ख़त्म होने वाला था धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था लोग भी नहीं देख रहे थे फुटबॉल कहीं भी आप अदर साइड अगर आप जाओगे तो कोई मैच देखने नहीं आता था तो हमने सोचा क्यों ना हम इस टाइम फुटबॉल उस टाइम निकाले जिस टाइम सब देख ले सबके पास टाइम होगा तो फुटबॉल भी बूस्ट होगा और जो हमारा ये टैलेंट है ये भी थोड़ा एक्सप्लोर होगा। इस वक्त हमारे साथ हैं बिलाल और वहीद जो इस टूर्नामेंट के मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं ये वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत लगा के इस टूर्नामेंट को पुट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहले हम पहले लाइट्स के बगैर यहाँ पर हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था कब वो लगभग जून में यहाँ पर हमने पहली बार श्रीनगर एसोसिएशन ने हमें एक यहाँ पर फैसिलिटी दे दी कि डी एफ ए रफियाबाद उन्होंने अलग जोन बनाया तो उसकी वजह से हमने यहाँ से जब मैचेस किए तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमने देखने को मिला तो उसके बाद हमारा एक आइडिया रहा बिलाल और मेरा कि हम ऐसा करेंगे कि अभी तो हम बहुत दूर है सिटी से कि हम यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे कि लोग काफ़ी इंटरटेन हो जाए तो इंटरटेनमेंट के लिए हमने क्या किया और इसमें हमने ये भी एक चीज़ दिमाग में रखी कि यहाँ का जो यूथ है वो सपोर्ट्स की तरफ उनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देखते हैं ना आज से 10 साल पहले जितना फुटबॉल था मुझे नहीं लगता आज इतना फुटबॉल क्योंकि आपने खुद देखा होगा यहाँ के जो थोड़ा टर्मोइल होता है ना डिस्टर्बेंस होते उसकी वजह से यहाँ पर जो अब फुटबॉल फीवर था ना उसमें भी थोड़ा पॉलिटिक्स आ गया। So it's a holiday today. It's a Tuesday evening. It's around 8:30 in the evening, and as you can see, a lot of local people have assembled to watch this game between two local sides. We're here. It's raining a little bit. Eating some tikkas, having some roti, and just enjoying the football. It's a pretty. I mean, if someone told you sitting in Delhi that you in North Kashmir, this would be going on right now. In this weather and in this climate, we wouldn't believe it, but we're here and it's happening, and it's a pretty fantastic advertisement for what football can be in places like this. आपके हिसाब से कितना पॉपुलर है फुटबॉल यहाँ पे तो मेरे हिसाब से बहुत पॉपुलर है फुटबॉल क्योंकि इस टूर्नामेंट में 64 टीम्स यहाँ पे हुए हैं तो पॉपुलर बहुत है यहाँ पे फुटबॉल मेरे ख्याल से लगता है। तो यहाँ पे कोई क्लब है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं पर्टिकुलरली? हम तो उसको हम तो ज्यादा उसको अच्छा खेलेगा जो बच्चा खेलता है अच्छा खेलता है वो भी सपोर्ट करेगा। तो जो यंग बच्चे हैं लोग सुपोर में एरिया में शाम के टाइम और कुछ खास करने को है नहीं घर पे बैठते हैं या तो मोबाइल पे बैठेंगे बुरा काम करते हैं। आजकल के बच्चे जो ड्रग्स में ड्रग्स की तरफ रागिब हुए हैं उसका ये एंटीबायोटिक इन्होंने यहाँ खोला है मालिया वालों ने तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं कि यहाँ हमारे बच्चे इसमें लग गए खेल कूद में इससे अमन आहंगी का गवारा भी रोशन होगा। Who come from very poor areas. आधे आते बारामूला से आधे आते यहाँ से हमारा एरिया है बांडीपोरा से आधे आए हम लोकल एरिया से आते हैं लोग हम शुक्र गुजार है कि हर मैच में दिन ब दिन क्राउड आपने खुद देखा होगा दिन ब दिन क्राउड ज़्यादा ज़्यादा होता है। अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि जो रफियाबाद है ये मानिए कि गांव है गांव के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट ज़्यादा करते हैं इसलिए बहुत ही जो आने वाले पीढ़ी है उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है कि यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाने। आगे चल के अगले साल अगले सीज़न क्या प्लान है?
एक तो फुटबॉल तो हमने स्टार्ट किया है क्योंकि फुटबॉल एक बड़ी गेंद होती है और वाइट में हम खेल रहे हैं तो जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको लाइट में प्रॉब्लम नहीं होते हैं, काफ़ी अच्छी तरह वो जज कर रहे हैं। अभी क्रिकेट के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमने प्लान रखा है, हम कास्को का एक टूर्नामेंट खोलेंगे यहाँ पर। हमारे लिए खुशी की बात है, ये सक्सेसफुल टूर्नामेंट हुआ। इससे पहले भी कई और बांडीपोरा में हुआ, हंदवारा में हुआ, मगर उनने एक एक मैच कर, मगर जो हमने किया यहाँ पे, हमने पूरा टूर्नामेंट किया स्टार्ट और इतना रिस्पॉन्स है आप यकीन ही नहीं करोगे। अगर हम अभी भी नया टूर्नामेंट निकालेंगे 60 टीम्स और आएंगी तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स है इस टूर्नामेंट का।